और ये देख रहे, ये ना जानवर है, और ये शेर का मुंह है, और ये भेड़ का, अभी इस जानवर को क्या बोलते हैं मुझे नाम याद है लेकिन मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। आपको अगर याद है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। ये जानवर काल्पनिक जानवर, मतलब वेदों में एक चमत्कारी जानवर के नाम, चमत्कारी जानवर होता है ये, अभी मिलता नहीं है, बहुत काल्पनिक जानवर इसको है ये देखिए, मैं नाम इसका भूल रहा हूँ, मैं जैसे ही याद आता है मैं वैसे ही बता दूंगा आपको, लेकिन किसी को याद है, किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट में बताइए। और भगवान के दर्शन करने अंदर चलते हैं, मैं दर्शन कर चुका हूँ, मैं लगभग आधे घंटे से बैठा हूँ दोस्तों। चलिए जी, हो गए दर्शन, और आप देख लीजिए मंदिर का स्ट्रक्चर, बहुत सुंदर मंदिर, और ये बहुत भव्य शिवलिंग है, लगभग ये यहाँ से यहाँ तक 4 फुट का है, और ये ऐसा 6 फुट का है, 6 फुट से ज़्यादा ही होगा ऐसे, बहुत सुंदर। और यहाँ से देखिए कैसे दिखता है बाहर दोस्तों। ये हम जो शिवलिंग देखते हैं, जो ज्योतिर्लिंगों के नाम से, मतलब जैसे केदारेश्वर देखा हमने, ज्योतिर्लिंग था वो, और देखा हमने विश्वनाथ जी, और भी एक दो है वो ज्योतिर्लिंग के नाम से है। इनका मतलब ये होता है कि उन भगवान को उस टाइम आवाहन करके बुलाया गया था पांडवों के द्वारा, तब वो वहाँ पे उन्होंने आवाहन करके स्थापित किया था, ये इसका मतलब ये है। मतलब इनकी स्टोरी पांडवों से ही जुड़ी हुई है, जो मंदाता पर्वत की, मैक्सिमम मंदिरों की, फिर बाद में चौल राजा, और कुछ मंदिर ऐसे हैं जो अहिल्या देवी जी ने बनाए हैं, उनका भी, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है इस साइड मंदिर बनाने का, शिवलिंग स्थापन करने का, तो ये सारा उन्हीं की साम्राज्य का एक हिस्सा है, जो मंदिर ऐसे सुंदर दिखते हैं और बहुत भव्य मंदिर, और इतने मजबूत मंदिर जो कि अभी 200-500 साल और चल सकते हैं आराम से। देखिए दोस्तों, ये ममलेश्वर जी, और यहाँ पे चंद्रमौलेश्वर जी, इंद्रेश्वर, वो जो है यहाँ पे है हम दर्शन करने, और इस साइड है काशी विश्वनाथ जी का ये सुंदर मंदिर, देखिए बहुत सुंदर मंदिर है। ममलेश्वर जी आते हैं लोग, लेकिन इस साइड नज़र नहीं जाती, इस वजह से ये रह जाता है, थोड़ा आउट है, और बहुत सुंदर भी है। देखिए ऐसा परिसर है इसका, ममलेश्वर जी से ठीक देख सकते हैं, ये बड़ा सा पेड़ दिख जाएगा आपको, काशी विश्वनाथ जी का दिख जाएगा आराम से, ऊपर लिखा हुआ है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, सुंदर, बहुत सुंदर दोस्तों। ओमकार जी को ना, ओमकारेश्वर को, पूरे मंदाता पर्वत को, ओमकारेश्वर को जितना घुमा जाए, जितने दर्शन किया जाए, रोज एक मंदिर का पता लग जाता है, और उसकी स्टोरी बहुत बड़ी बड़ी होती है, ओमकार जी की इतनी बड़ी है, और वो आज की स्टोरी थोड़ी है, सतयुग से चलती आई हुई स्टोरी है, बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी है। आगे मौका जैसे जैसे मिलता जाएगा, जितना टाइम मिलता जाएगा, मैं आपको सारा महात्म्य बताऊंगा, एक एक चीज़ का, एक एक स्थान का, ऐसा महात्म्य बताता रहूंगा। आप वीडियो में बने रहिए, कैसी लगती है वीडियो में बताते रहिए, और राम राम इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा एक दूसरा भी चैनल है गुरु ज्ञान, उसमें थोड़ा अपडेट डालता रहूँगा, उसमें भी बहुत सारी जानकारी अलग से देता रहूँगा, वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, और देखते रहिए। और पहली बात, सबसे ज़रूरी बात, परिक्रमा चालू हो चुकी है तो मेरे ऊपर आशीर्वाद सभी का बनाए रहना चाहिए, और प्रार्थना में मेरी परिक्रमा पूर्ण हो ऐसा सभी मांगे, वीडियो के द्वारा दर्शन कराते रहूँगा आप सभी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं परिक्रमा में, आगे बने रहिए वीडियो में, दोस्तों। नर्मदे। देखिए अब मैं इस पुल से होते हुए, ये देखिए ये ब्रह्मेश्वर महादेव यहाँ पे, और इस पुल से होते हुए मैं पहले ममलेश्वर गया, फिर दर्शन करके, फिर वो इंद्रेश्वर और वो विश्वनाथ करके, फिर इस पुल से विष्णु मंदिर आ चुका हूँ। देखिए ये भी पुराना मंदिर है, बहुत पुराना, और ये भी पंचायती अखाड़े के अंडर है, तो बहुत सुंदर रखा गया है इसको, और यहाँ से मैया का व्यू बहुत अच्छा आता है, देखिए बहुत ही सुंदर। और नीचे कुछ प्रोग्राम चल रहा है लगता है, इतने सारे बंदे इकट्ठे हुए, कोई, चलो इट्स ओके, कर रहे कुछ ना कुछ, बहुत सुंदर व्यू आता है यहाँ से। तो ओमकार जी से आगे बढ़ते हैं हम, अब नागर घाट की तरफ चलते हैं, हमको अब रुकना भी है क्योंकि 4:30 बज चुके हैं, हम ज़्यादा दूर नहीं चले हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मपुरी से नागर घाट है 1.5 किलोमीटर सिर्फ, इतना ही चले आज। चलिए दर्शन तो हो गए हैं, परिक्रमा में हैं हम, तो परिक्रमा ऐसी ही होती है, बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है, आनंद लेते रहिए, नागर घाट की तरफ चल। दोस्तों नागर घाट आ चुके हैं हम, धीरे धीरे अभय घाट जाएंगे और मार्कंडेय आश्रम पे जाएंगे, हम रुकेंगे आज। दोस्तों मैं अभय घाट पहुंच गया हूँ, अभय घाट है पीछे देखिए, और मार्कंडेय आश्रम भी पीछे है, अभी मैं गया था ऊपर, मार्कंडेय आश्रम के कार्यालय में कोई था नहीं, इस वजह से मैं थोड़ा वेट करने के लिए बोला,
अभी मैं जल लेने के लिए आया हूँ मैया के किनारे, और यहाँ से कितना सुंदर है मैया का किनारा, और मैया जी देख लीजिए दोस्तों मैं कहाँ पे बैठा हूँ, अभय घाट के सामने मैया के किनारे एकदम, ये देखिए। और यहाँ मेरा कमंडल रखा हुआ है मीठा मीठा और ठंडा ठंडा जल मैया का। और ये रहा ओमकारेश्वर को पीछे छोड़ दिया है हमने, अभय घाट पे है हम, मार्कंडेय ऋषि आश्रम के यहाँ पे रुकेंगे आज हम, मार्कंडेय संन्यास आश्रम। और बहुत सुंदर, और ये जो समय है और ये किनारा मैया का, और यहाँ का जो जल है एकदम साफ सुथरा, बहुत सुंदर ऐसा अनुभव दोस्तों। अब मैं वीडियो में नहीं बता सकता कैसा अनुभव है, या यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा आपको, देखते हुए इतना अच्छा लग रहा है तो सोच लीजिए यहाँ पे मैं बैठा हूँ तो कितना अच्छा लग रहा होगा। यही है आनंद और यही है परमानंद। दोस्तों हमें रहने की परमिशन मिल चुकी है, चलिए कहाँ पे रह रहा हूँ कैसा आश्रम है वो सुबह दिखाऊंगा। अभी मैं स्नान के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आधा घंटा बचा है सूर्यास्त के लिए, तो पहले मैं जाता हूँ स्नान करके आता हूँ मैया में, फिर बात करते हैं। दोस्तों मैं स्नान करके आ चुका हूँ और ये आश्रम देखिए खाली है, एक यहाँ पे है महाराज एक यहाँ पे है, वो भी परिक्रमा उठाएंगे, वो भी उठाई नहीं है, यहाँ कोई आता नहीं है परिक्रमा वासी ज़्यादा आता नहीं है, तो इसलिए मैं आ गया। और बड़ा आश्रम है, बहुत सुंदर आश्रम है और प्राचीन आश्रम है, मार्कंडेय संन्यास आश्रम है नाम इनका। अब कुछ ही देर में यहाँ पे अभयेश्वर महादेव है, मतलब अभय घाट के ऊपर उनका नाम, या फिर अभयेश्वर महादेव के ऊपर अभय घाट का नाम पड़ा है ये अभयेश्वर महादेव, तो उनकी आरती यहाँ पे होने वाली है, आरती मैं दिखाऊंगा, फिर हम भोजन का टाइम हो जाएगा, भोजन कर लेंगे फिर। और एक बात बता दूँ कि अपनी वीडियो रोज़ सुबह 7 बजे आएगी, आप सभी लोग 7 बजे नहा धो के तैयार हो जाना मैया के दर्शन के लिए, ठीक है। सुबह 7 बजे रोज़ आ जाएगी, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क नहीं हो या फिर अपलोड नहीं वीडियो, थोड़ा लेट भी हो सकता है या फिर किसी किसी दिन नहीं भी हो सकता, मतलब रोज़ डलेगी ये पक्का है, कभी कभी ऐसा हो सकता है, ठीक। दोस्तों अब आरती होने वाली है, हम चलते हैं आरती करने और अटेंड करने अभयेश्वर महादेव अभय घाट ओमकारेश्वर। अभयेश्वर महादेव है, बहुत ही सुंदर, जितने सुंदर आरती थी उतनी सुंदर इनकी प्रतिमा और शिवलिंग जितना सजाया है, बहुत सुंदर। अभयेश्वर महादेव अभय घाट श्री मार्कंडेश्वर संन्यास आश्रम। इतनी सुंदर आरती संतों के द्वारा की गई, और आरती कैसे अटेंड की जाती है ज़रा संतों से सीखना है। देखिए कोई भी हिल नहीं रहा था बिल्कुल आरती के समय, ना ही इधर उधर कर रहे थे, ना ही इधर उधर देख रहे थे, कंटिन्यूसली भगवान की तरफ सामने देख रहे थे और कोई भी हिल नहीं रहा था। कैसे अटेंड करना है इनसे सीखना चाहिए। और वैसे तो बहुत सारे लोग कर रहे थे, वो परिक्रमावासी थे, इधर उधर कर रहे थे, आरती के बीच में इधर उधर भाग रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए।